नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। फनी प्लांट गार्डन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज फ्रेंड्स मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी कि मैंने जो पिंक देसी रोज़ थी उसकी कटिंग लगाई थी और वो बहुत अच्छे से लग गई है और उसमें ब्लूमिंग भी शुरू हो गई है। और ये वाला रोज़ था मैं ले गई थी जो कि मेरे ग्राउंड पर लगा हुआ है, वहीं से मैंने कटिंग ली थी। कटिंग की मैं बताऊँ फ्रेंड, ज़्यादा दिन की नहीं है, मुझके से एक या डेढ़ महीने की कटिंग थी और मैंने लगाई है, वो सक्सेस भी हो गई है। कटिंग मैंने तीन लगाई थी जिसमें से एक ही सक्सेसफुल हुई है। तो यहाँ से मैं कटिंग ले गई थी एक महीने पहले और उसको मैंने ऐसे सैंड सॉइल में लगा दिया था, तो अब जाके बहुत अच्छे से ब्लूम हो रहा है। और भी गार्डन में मतलब ये पिंक वाला रोज़ जो है बहुत अच्छे से ब्लूम हो रहा है, आप देख ही सकते हो। और ये देखिए उसमें सीड लगा हुआ था इस तरीके के, और जो पिंक रोज़ थे देसी गुलाब फ्रेंड्स जितने भी होते हैं वाइट पिंक या फिर रेड वाले, सब में बीज बनते हैं। ये पिंक वाला है, छोटा सा देखिए इस तरीके से इसमें सीड बना था, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर कर दूँ इनके सीड कैसे दिखते हैं। वैसे तो जिनके पास रोज़ होगा उनको तो पता ही होगा रोज़ के सीड कैसे होते हैं। देखिए इस तरीके से, क्योंकि छोटा था अनहेल्दी था तो उसमें से एक ही सीड बने, बाकी भी छोटे छोटे देखिए वो अच्छे से मतलब नहीं हो पाए हैं। और देखिए इस तरीके से बहुत ही मतलब एक ही बना है, वैसे तो सीड के अंदर ही सीड होते हैं, इसे इस तरीके से बना हुआ है नोड, इसमें सीड ही होते हैं, तोड़ेंगे तो निकलेंगे छोटे छोटे ब्लैक से, पर अभी प्रॉपर पका नहीं था इसकी वजह से मैं इसे इसी में डाल दी हूँ, जब पक जाएगा तब मैं लगा लूँगी। तो ये मेरा रोज़ था, मैंने देखे इसमें तीन कटिंग लगाई थी जिसमें से एक ही सक्सेस हुई है, और जो सक्सेस हुई फ्रेंड बहुत ही अच्छे से अब ब्लूम हो रहा है। ये पिंक कलर का है, छोटा है अभी क्योंकि कटिंग से लगा हुआ है तो छोटे ही खिलेंगे। तो देखिए ये एक ये वाला लगा है, और देखिए इस तरीके से कली भी आ रही हैं, तो तीन चार कली इसमें आ रही थी, एक ये है और एक अभी मैं दिखाती हूँ जो कली आ रही है, एक देखिए ये इस तरीके से इसमें कली आ रही है। बहुत ही क्यूट लग रहा है देखने में, बहुत ही प्यारा, मतलब कलर भी बहुत अच्छा है, पिंक कलर का है। और फ्रेंड देखिए ये मैंने कटिंग लगाई थी, तो जो ख़राब हो गई है इनको मैं निकाल दूंगी, कोई फ़ायदा नहीं है लगे हुए। तो देखिए किस तरीके से क्या रीज़न होता है, इस तरीके से जो रूटिंग वाला पॉइंट होता है वो काली पड़ गई, बिल्कुल ख़राब हो गई है। और ये भी वाला मैं निकाल दूंगी, थोड़ा सा मतलब एक सट के लगा हुआ है तो उसको मैं संभाल के निकालूंगी, क्योंकि फ्रेंड्स जो रोज़ की कटिंग होती है अगर हिल जाती है तो लगती भी नहीं है, हो सकता है ये रीज़न ये भी रहा हो कि ना लगी हो। देखिए ये भी बिल्कुल ब्लैक हो गई है इस तरीके से, बस एक ही मेरी लगी थी इस तरीके से पूरा ब्लैक हो गया है, तो एक ही सक्सेस हुई है। बट कुछ भी हो, लग गया, दिल खुश हो गया मेरा। और फ्रेंड्स अभी इनको मैं रिपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करूँगी, क्योंकि जब अच्छे से इसमें रूट बाउंड हो जाएगा तभी मैं अलग करूँगी, नहीं तो फ्रेंड्स अक्सर मैंने देखा है लोगों को कि वो गुलाब को रिपोर्ट कर देते तो ख़राब हो जाता, तो मैं नहीं करने वाली हूँ। और फ्रेंड्स अभी भी बेस्ट टाइम है, जो फरवरी मार्च का मंथ होता है उसमें गुलाब की कटिंग अगर हम लगाते हैं तो वो लग जाएगा, आप अभी भी लगा सकते हैं इनकी कटिंग। और मैं एक बात और शेयर करूंगी कि अगर कटिंग लगाते से देसी गुलाबों की मैं अगर बात करूं तो उसमें से अगर आप पिंक वाइट रेड साथ में लगाते हैं तो एक अगर बोनसाई उनका बनाए तो बहुत ही अच्छा होगा, वो एक साथ में अगर खिलेंगे तीनों कलर तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। ग्राउंड पे मेरे यहाँ पे लगा हुआ है, लेकिन फ्रेंड्स क्या ना ग्राउंड पे जितने भी गुलाब के पौधे होते हैं सारे बहुत ही बुसी हो जाते हैं, क्योंकि आए दिन उनको प्रून करते रहते हैं, तो बुसी हो जाने की वजह से थोड़ा सा मतलब अलग अलग ही हो जाता है। लेकिन अगर हम पॉट में लगाते हैं एक जैसे तो देख सकते हैं बहुत ही हेल्दी है, कली भी बहुत ही हेल्दी है, मतलब कोई इंसेक्ट अटैक नहीं है। वैसे फ्रेंड्स एक जो टिड्डा आता है हमारे गार्डन में होते ब्लैक कलर के, जो कि इनकी पत्तियां गुलाब के पत्तियां अक्सर खा जाते हैं, तो उनका भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। ज़्यादा कुछ नहीं अगर दिखे तो उनको आप हटा दीजिए, या फिर जो हमारे पास होता है पेस्टीज उनका हम छिड़काव कर सकते हैं जिससे हमारे जो गुलाब के प्लांट हो हेल्दी रहें। फ्रेंड्स मैं लास्ट टाइम नर्सरी गई थी, वहाँ से मैं कुछ फर्टिलाइजर गुलाब के लिए लाई हूँ, उसकी वीडियो में शेयर करूँगी आपके साथ कि उनको कैसे देना है और किस रिक्वायरमेंट में देना है, तो उसकी मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और फ्रेंड्स एक मैं बात शेयर करना चाहूँगी आप लोग के साथ, मेरी एक फ्रेंड्स थी उन्होंने बोला था कि गुलाब की जो पत्तियाँ होती हैं अगर पांच निकलती हैं या सात निकलती हैं तो उसमें फूल नहीं खिलते हैं, तो आप देख सकते हो
मेरे जो गुलाब के पत्तियां हैं सब में पांच पांच हैं, और देख सकते हैं आप कली भी आ रही है और फूल भी खिल रहे हैं। फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम जहाँ से जैसा कटिंग लेते हैं, जैसा बीज लेते हैं, वैसे ही हमारे प्लांट होते हैं। तो ऐसा होता है ना, कभी कभी उसमें फूल नहीं खिलते, जिस प्लांट में उसकी हम कटिंग लगा लेते हैं तो उसमें फूल नहीं आते हैं। तो हम जैसा बीज लगाएंगे फ्रेंड्स, वैसे ही हमें फल मिलेंगे, वैसे पौधे तैयार होंगे। तो आप लोगों ने देखा होगा हमारे गार्डन में जितने भी पिंक, वाइट, ब्लू और सॉरी रेड कलर के और गुलाब हैं, सब अच्छे से ब्लूम होते हैं। तो मैंने इसी पौधे से मैंने वो कटिंग ली थी और वहीं से मैंने वो तैयार किया है। तो आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे से, मतलब ये यहाँ पे तो हमेशा, मतलब सर्दी, गर्मी, बरसात, ये हमेशा ब्लूम होते रहते हैं। इनके लिए कोई स्पेशल सीज़न नहीं होता कि हाँ नहीं सर्दी में ये खिलेंगे या गर्मी में ही खिलेंगे, ये हमेशा खिलते रहते हैं। देसी रोज़ की फ्रेंड्स यही खासियत है कि वो हमेशा आपके गार्डन में बने रहते हैं। बस गर्मियों में थोड़ा सा उनका जो पेटल होता है और ब्लूमिंग का जो साइज़ होता है थोड़ा सा कम हो जाता है, और बाकी देसी रोज़ तो हमेशा 12 महीने खिलते रहते हैं। और फ्रेंड्स, ये वाला जो मिंक रोज है इसमें इतनी ढेर सारी, मतलब कलियां आती हैं कि जब एक साथ खिलते हैं तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। अभी तो मतलब ब्लूम कम हो गया है, लेकिन जब एक साथ ब्लूम होते हैं, तो मैंने वीडियो भी शेयर करी है लास्ट वीडियो में कितने जैसे ब्लूम होता है। और बस एक छोटी सी मेरी वीडियो थी आज की फ्रेंड्स, इसकी मैंने कटिंग लगाई थी। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।